लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आज हम जानेंगे सफ़र एक लड़की का जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से पैदा होती है और ओलंपिक तक का सफ़र तय करती है। क्या ये रास्ता इतना आसान था कि वो पैदा हुई, खेली और सीधे ओलंपिक पहुंच गई? बिल्कुल नहीं, रास्ता बहुत मुश्किलों भरा था, रास्ते में ढेर सारे कांटे थे। आखिर कैसे इस लड़की ने उन कांटों को हटाया, उन कांटों को अपनी ताकत बनाई, मजबूती बनाई और राजस्थान के गांव की लड़की भावना जाट पहुंच गई ओलंपिक के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, भावना जाट जी के बारे में जानते हैं। जाने सफर भावना जाट सीधे ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली भावना जाट की कहानी। राजस्थान में एक गांव से आने वाली भावना जाट ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए जो मुकाम हासिल किया है वो एक खेल की दुनिया में कामयाबी की एक प्रेरणादायी कहानी है। उन्होंने आर्थिक तंगी और पड़ोसियों के ताने जैसी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी कामयाबी की दास्तां लिखी है। भावना जाट 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में रेस वॉकिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। उनके स्पोर्ट्स में करियर बनाने के फैसले के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जानते हैं क्या है वो कहानी। वो एक बार जिला स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने पहुंची थी। वहां पर सिर्फ रेस वॉकिंग में हिस्सा लेने के लिए जगह खाली थी। भावना ने उसमें हिस्सा लिया और इस तरह से एक रेस वॉकर के करियर की शुरुआत हुई। भावना बचपन से ही एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली खिलाड़ी रही हैं। वो खेल की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहती थी। हालांकि शुरुआत में उन्हें साफ तौर पर किस दिशा में बढ़ना है इसे लेकर दुविधा तो थी। साल 2009 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला लिया। राज्य की टीम का हिस्सा होने के लिए उन्हें पहले जिला स्तर की बाधा को पार करना था, जो इतना आसान नहीं था। उनके स्पोर्ट्स टीचर उन्हें ट्रायल के लिए जिला स्तर की प्रतियोगिता में ले गए। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ रेस वॉकिंग में एक जगह खाली बची हुई है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद भावना ने रेस वॉकिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। भावना जाट के पिता शंकरलाल जाट एक गरीब किसान थे और उनकी मां नौसार देवी गृहिणी थी। उनका घर राजस्थान के काबड़ा गांव में है। उनका परिवार आय के लिए अपने 2 एकड़ जमीन पर होने वाली खेती पर निर्भर है। भावना के पिता के लिए अपनी बेटी की ट्रेनिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल वाला काम था। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ी बाधा थी। इसमें रेस वॉकिंग के अभ्यास के लिए मैदान जैसी सुविधाओं का अभाव शामिल था। इन सब बाधाओं ने एक उभरते हुए एथलीट के लिए सारी चीज़ें मुश्किल कर दी थीं, लगभग असंभव कर दी थीं। लेकिन वो इन बाधाओं की वजह से अपने इरादे बदलने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने गांव के पास तड़के सुबह उठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने तड़के सुबह का वक्त प्रैक्टिस के लिए इसलिए चुना था ताकि गांव वालों की नज़र से बच सकें। गांव वाले शॉर्ट्स पहनकर किसी लड़की का यूं प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं मानते थे। भावना बताती हैं कि समाज के दबाव के बावजूद उनका परिवार उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ा था। उनके बड़े भाई ने कॉलेज छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दी ताकि वो भावना को रेस वॉकिंग का करियर बनाने में मदद कर सकें। यह है तस्वीर भावना जाट की। कभी हार नहीं मानने की भावना की प्रवृत्ति ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया और वो कई स्थानीय और जिला स्तर के प्रतिस्पर्धाओं में जीत दर्ज करने लगी। आखिरकार उन्होंने भारतीय रेलवे ज्वाइन किया। 2019 में ऑल इंडिया रेलवे प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर की रेस वॉकिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 20 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट और 17 सेकंड में पूरी की थी। उनका कहना है इस कामयाबी ने उनके आत्मविश्वास को बेहतर प्रदर्शन और ओलंपिक के लिए कोशिश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। उन्होंने रांची में 2020 में हुए नेशनल चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 29 मिनट 54 सेकंड में पूरा कर यह रिकॉर्ड बनाया। इस प्रदर्शन की वजह से वो टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गई। भावना को अपने करियर में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा वो भारत में महिला एथलीटों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। भावना कहती हैं कि भारतीय महिला एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक अवसर मुहैया कराने की जरूरत है ताकि इससे उन्हें अपनी तकनीक और प्रदर्शन सुधारने में मदद मिले।
बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भावना की विलक्षण प्रतिभा को दिखाता है। ओलंपिक में हिस्सा लेना भावना के लिए एक नई चुनौती है, लेकिन वो भारत के लिए मेडल जीतने की उम्मीद से भरी हुई हैं। उनकी इस उम्मीद की एक बड़ी वजह ओलंपिक में 20 किलोमीटर की रेस वॉक में पिछली बार लगा वक्त है। ये हैं भावना जाट। हम उम्मीद करते हैं कि भावना जाट जिस भी खेल को खेलें, जिस भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में खेलें, वो देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। ऐसी स्टोरीज जो हैं पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी में मोटिवेशन का काम कर दें और लोग उठकर खड़े हो जाएं और अपनी ज़िंदगी की रेस के लिए फिर से तैयार हो जाएं। अब लेता हूं अलविदा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। भारत माता की जय।